हेलो स्टूडेंट, शिक्षा एफएम दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडा स्वागत है। मैं दविंदर यादव तुहाडे लई एक अज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज़ लेके आया। सब तो पहला जेडे स्टूडेंट लाइब्रेरियन स्कूल लाइब्रेरियन दी जेडे तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने लाइब्रेरियन रिस्टोरर दा पेपर देना है, वो बच्चे मेरी गल नूं ध्यान नाल सुन। सब तो पहला तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना है, लाइक करना है अते शेयर करना है। इन्ना काम तो तुसी मेरा कर ही देना है। सब तो पहला आपां गल करांगे कि PSSS बोर्ड ने दो दिन पहला एडवरटाइज नंबर 10/2023 रिक्रूटमेंट जारी कर दिती गई है, जिदे विच तबला इंस्ट्रक्टर लाइब्रेरियन रीस्टोरर, मैं की बोल रहा, लाइब्रेरियन रीस्टोरर दियां 56 वैकेंसी जारी कर दी गई हैं। उहदे नाल नाल ही PSSS बोर्ड बहुत जल्द, क्योंकि पिछलियां वैकेंसियां भी कोई ज्वाइनिंग पई है कलर्क वगैरह दी, उस तो बाद स्कूल लाइब्रेरियन दियां 292 पोस्टां दी सानू आस। उहदे नाल नाल ही सब तो पहलां तुसी बैल आइकन नूं प्रेस जरूर कर देना है, ताकि तुहाडा इह कलौता चैनल है पंजाब दा जिहड़ा लाइब्रेरियन दी तैयारी करवाउंदा है। हाँ जी, सब तो पहला तुसी साडा टैलीग्राम चैनल भी है शिक्षा FM दे नाते, जो तुसी टैलीग्राम ओपन करोगे तो उत्थे उस ग्रुप ते तुसी ज्वाइन हो जाना है अपडेट ले। देखो भाई, एडवरटाइज नंबर, माफ करना, 10 नहीं है, 8 है, ठीक है भाई। मैं ओ जेई दे, क्योंकि हुण वैकेंसी वधी है तां उत्थे 10 बोल दिता गया सी, ठीक है भाई। हाँ, इतिहार नंबर 8/2023 अधीन सेवा चोन बोर्ड जिहड़ा कि PSSS बोर्ड है SAS नगर मोहाली दे विच। अब तुसी इह देखना है, आ तां जिहड़ी वैकेंसी हैगी है तबला इंस्ट्रक्टर, इहदे च तां डिप्लोमा मंगिया तबला इंस्ट्रक्टर। देखो सब तो वड्डी गल देखो की है, इहो जिहियां वैकेंसियां पंजाब च आ रहीयां जिहदा कदे ना ही नहीं सुणिया सी, तबला इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। इहदे नाल नाल बहुत इहो जिही वैकेंसी है जिहड़ी अपनी पेंडिंग च पई है। आपां इत्थे गल करांगे नंबर 2 लाइब्रेरियन रीस्टोर, आ भर्ती जिहड़ी है जिहदियां 56 वैकेंसियां दा नोटिफिकेशन आ चुक्या है। जिहड़े बच्चियां ने डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस कर रख्या है, जिन्हां ने किसे मर्जी यूनिवर्सिटी तों कर रख्या है, जिवें LPU तों डिस्टेंस कर रख्या है, जिहड़े बच्चियां ने चाहे इग्नू तों कर रख्या है एक साल दा, देखो चाहे डिप्लोमा होए चाहे बैचुरल डिग्री होए चाहे जिन्हों आपा की बोल देने आ ब्लिस बैचुरल ऑफ लाइब्रेरियन साइंसेस चाहे हो जे मलिस, देखो तीन नाम ने ब्लिस ब्लिस मलिस। जेड़े बच्चे ने दसवीं दे नाल दसवीं कीती है, 10 पढ़िया होना चाहिए है, ओदे नाल उन्हें डिप्लोमा कर रखे है डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन, यानी कि वैसे तो बच्चा 12 करके ही डिप्लोमा करेगा, बट PSSS बोर्ड ने की किया है, किसी भी बोर्ड या संस्था तो मैट्रिक समेत डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस कीती होवे अते मैट्रिक पद्धर ते पंजाबी विषय पास होना लाजमी है। ये तो देखो जी लाजमी ही है। जेड़े स्टूडेंट, देखो भाई जेड़े स्टूडेंट ने राजस्थान तो ओपन यूनिवर्सिटी तो किने कर रखे है, तो जेड़े 144 बच्चे हैगे है स्कूल लाइब्रेरियन दे जिन्होंने अजे तक ज्वाइनिंग नहीं दिती है, उन्होंने विद होल्ड ते रख रखे है, वो डिपार्टमेंट दी अलग है, उन्होंने सिस्टम है, वो जाने उन्होंने काम जाने, पर आप गल करने डिप्लोमा। जेड़े बच्चे ने दसवीं दे नाल बारहवीं तो करोगे, उस तो बाद ही डिप्लोमा होंगे, डिप्लोमा कर रखा वो इस पोस्ट नू फिल कर सकता, सिलेबस कुछ दिन बाद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुहानू इस गल दे विच की समझाने की कोशिश कर रहा हाँ कि यह वैकेंसी तो है ही है तुहाडे नाल, तुहाडे लई 292 स्कूल लाइब्रेरियन होर आ रहे हैं, इस तो पहला 693 लाइब्रेरियन आए, उस तो बाद 50 उन्हां दी बैकलॉग सी वो पंजाब सरकार ने कढ़ी है। कहण दा मतलब की है, लगभग लगभग लाइब्रेरियन दियां 1000 वैकेंसी पंजाब च आ गई, 292 अजे आने वाली हैं,
56 वैकेंसी लाइब्रेरियन रिस्टोरर दी आ चुकी है। मैं इत्थे की कहने की कोशिश कर रहा, पिछले बार बाय मिस्टेक पी ट्रिपलस बोर्ड तो की हो गया सी कि उन्होंने यह गल कही सी डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, कि डलिस का, डलिस मतलब डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंसिस। बाद च उन्होंने वो शोध किया तो उन्होंने कहा कि डिप्लोमा मतलब लाइब्रेरियन का डिप्लोमा जोड़ा वो 1 साल का ही होंगे, तो बलिस भी जी है वो 1 साल की होंगी है, तो उन्होंने उन्होंने भी एलिजिबल करता से। जदों तक हो सकता है मैं गलत होव, मैं इवें लगता है कि इस वैकेंसी दे विच ओ ए भी कह देंगे कि जेडे बच्चिया ने बलिस कर रखे। देखो मैं ज़्यादा तुहानू ये समझाने की कोशिश कर रहा हाँ कि एक बार एक कोर्ट ने गल कही सी कि जेड़ा बच्चा ज़्यादा पढ़ रखे, जेड़ा बंदा बीटेक है वो डिप्लोमा वाले फार्म तो भरी सकता है। मेरी गल समझ आ गई ना, तो हो सकता है आप पूरे ये बारे चाहे आप मेल करांगे चाहे आप तो गलबात करांगे भी डिप्लोमा मंगया है, उन्होंने मंगया है, बेसिक क्वालिफिकेशन ये है, ये होनी चाहिए है। पर कोई बच्चा अगर जिन्हें ब्लिस कर रखे है सीधा ही, जिमें मान लो मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रैजुएट हाँ, मैं बी ए दे नाल, मैं बी ए दे नाल ब्लिस कर रखे है, यानी कि लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखे है, मैं डिप्लोमा क्यों करूँगा, क्योंकि मेरी तो 12वीं, जेड़ा बंदा 12वीं पढ़े सिर्फ 12 पढ़े वो डिप्लोमा करेगा, मैं की कर रखे है ब्लिस, मान लो मैं ब्लिस कर रखे है यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस कर रखे है, मैं भी तो भरना चाहिए ना इस फार्म नू, बोलो भाई। तो ऐसे करके आप थोड़ा अजे इन्होंने क्लीयर नहीं किया है, क्योंकि देखो भरनू तो भर सकते हैं पर जो आप पेपर पास हो गया डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो गया उदो अपना थोड़ा जहा विद हैल्ड से रख देन, योजना त्रुटियां कारण आप पूरे ठीक है ना भाई ध्यान नाल आप सारा काम करना है। देखो भाई मैं तुहानू इत्थे की समझाण की कोशिश कर दिना, लाइब्रेरियन रिस्टोरर बहुत ज़्यादा इहदियां वैकेंसियां जिहड़ियां पिछले दिन आईयां सीयां, उस तो बाद बैकलॉग भी आईयां, उस तो बाद 292 फिर आ रही है। आपां ध्यान की रखना है जर्नल दियां 21 वैकेंसी है जिहदे विचों 6 कुड़ियां दी है, ठीक है भाई, क्योंकि पंजाब दे विच 33% कुड़ियां दा आरक्षण है। जिहड़ी कुड़ी यानी कि ये सारियां कैटागरियां दा विब्रिगेशन है, यानी कि EWS दी कुड़ी दी जिहड़ी शीट है वह 2 है, वैसे 5 है, ठीक है ना, SCMB जिहड़े है उन्होंने 2 है, वैसे 7 है, SCRO यानी कि लगभग लगभग मेरे हिसाब नाल तां इह जिहड़ियां शिफ्टां है ना इह उन्हां वास्ते बच्चियां वास्ते अगर उन्हां दी क्वालिफिकेशन 10वीं दे नाल उन्हां दा डिप्लोमा क्लीयर है तां उन्हां ने तैयारी शुरू कर देनी चाहीदी है। मैं तुहानूं की समझाण की कोशिश कर रहा इत्थे, जिवें BC दियां 5 सिट्टां है, BC वाले तां चढ़दे ही नहीं कदे नौकरी, ठीक है ना, हाँ समझ आ गई, BC दियां 5 सीटां जिहदे विच 2 कुड़ियां दी है, पर 21 भर्ती जिहड़ी जर्नल दी है ना, मैनूं एवें लग्गिया वी इहदे च जिहड़ा बच्चा तैयारी करूगा बहुत वधिया है, ठीक है ना, पे स्केल भी चंगा है। तां मैं तुहानूं इही गल कहण दी कोशिश कर रहा कि 292 भर्तियां स्कूल लाइब्रेरियन दियां आ रही हैं, अपने कोल रिस्टोरर दियां आ गईआं, हुणे ही आपां तैयारी शुरू कर दिंदे आ, पेपर दा नोटिफिकेशन जदे भी आ जाए उदों तैयारी नहीं हुंदी, पहलां ही हमेशा तैयारी हुंदी है। समझ आ गई बई, हाँ जी मेरी गल समझो, पेपर का पैटर्न की होएगा, अजे देखो सिलेबस आया नहीं, पर मैनू जिस तरीके नाल लग रहा है कि पेपर का सिलेबस एक्सेप्टेड, ठीक है ना, की आएगा जेड़ा एक्सेप्टेड सिलेबस की है, मैनू एवें लगे है कि सब्जेक्ट दे रिगार्डिंग तुहानू 70 मार्क्स आउणगे दा पेपर आएगा MCQ मेरे हिसाब नाल, क्योंकि पिछलियां कई भर्तियां दे विच सेम इहो जिहा रहे हैं, JEE दा पेपर भी PPSC ने PSSS बोर्ड नूं देता, जरनल सबजैक्ट दे 30 क्वेश्चन आणगे, मतलब जिवें 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग दे, ठीक है, उस तो बाद 10 क्वेश्चन GK दे, 5 नंबरां दी पंजाबी, ठीक है भाई,
और पांच नंबरां दी इंग्लिश। एदे नाल नाल जेड़ा पेपर ए है पंजाबी दा ओ ता होएगा ही होएगा, पंजाब मार्क्स दा ओ ता होएगा ही होएगा। समझ आ गई? ए पेपर दी तैयारी वास्ते आपा जोर लाना भी है, 30 दे विच्चों 25 नंबर लेने हैं और ए 70 दे विच्चों आपा 50 नंबर। समझ आ गई भाई? तो सारे स्टूडेंट नूं मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा कि आप किस तरीके नाल पढ़ना है। लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन रिस्टोरर की वैकेंसी जी आ चुकी है, 56 वैकेंसी है, कोई ज़्यादा कंपीटिशन नहीं होएगा, होएगा तो तैयारी वाले बहुत घट होंगे। ठीक है भाई? हाँ जी, अगर तुसी इंट्रस्टिड हो आने वाले दिनों के तैयारी करने वास्ते, जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है वो स्टूडेंट शिक्षा एफ एम का ऐप जिहड़ा है डाउनलोड कर लो। कुछ असी क्लासा ये ते फ्री ऑफ कॉस्ट पावांगे जिदे विच तुहानू ये पता लगेगा कि वधिया है। मेरे हिसाब नाल पी ट्रिपल एस बोर्ड ने जिहड़ा स्कूल लाइब्रेरियन का सिलेबस दिता सी पिछले बारी, वो उन्होंने ये सिलेबस दिता सी। बहुत कुछ सेम होएगा, जिवें वो तो अपना पूछेगा लाइब्रेरीज के बारे, लाइब्रेरियन लाइब्रेरीज के बारे, ऑर्गनाइजेशन परपज फंक्शनल नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरियन एसोसीएशन, जैसे आ देखो इंटरनेशनल लाइब्रेरियन एसोसीएशन, ये जिस तरह नाल इन्हां दी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जैसे पिछले बार यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछ ली सी। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके नाल आ देखो, उस तो बाद अपना अगर कोई स्टूडेंट है अगर तैयारी करना चाहता है, अपना नाम कोर्स नेम एग्जाम सिटी ये सब इस वट्सएप नंबर पर वट्सएप कर दो, लाइब्रेरियन साइंस। ठीक है भाई? ओदे नाल नाल आ देखो, ये मैं तुहानू दस्या सी ओदे विच आ की है, उस तो बाद फिर रेफरेंस सर्विस है। आ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जिवें मान लो कोई चीज़ का आपां कह दिंदे आ, आ देखो टेलनेट। समझ आ गई भाई? तो यह कई तरह की अपना फुल फॉर्म जिहड़ियां है पूछा जाएगा एग्जामीनर दे विच, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकलूडिंग, ये कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? क्योंकि लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा जिमें कि यानी कि अजकल तो कंप्यूटर बेस ही लाइब्रेरी होगी जिन्होंने आप बोल दें डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है भाई? वो क्लासीफिकेशन आ देखो भाई, वैब डॉए तुहानू पता है, जिमें सी सी कोलन क्लासीफिकेशन। ठीक है भाई? और डॉए बोलो भाई, इन्हां दे जरूर ये क्वेश्चन जिहड़ा है आता है, तुहानू कोडिंग पूछ लेगा। ठीक है ना? गायनेकोलॉजिस्ट दे कोड की है किता सा ना आपां लाइब्रेरियन क्लासीफिकेशन दा, तां इहदे रिगार्डिंग ही इहदे चो क्वेश्चन जिहड़ा है आना है। बहुत ही आ देखो, ठीक है ना, कॉल नंबर नोटेशन, ठीक है ना, रगारथन दी छोड़ियां जी, ठीक है ना, तो वो सारिया बुक नंबर कलैक्शन नंबर ये सारे जड़े बड़े सौखे सौखे है, बट मैनू पता है तुहानू एमसीक्यू हैंडल करना नहीं आऊगा, 10 मार्क्स की वैल्यू रहेगी तुहाडे लई। ठीक है भाई? सिस्टमैटिकली तैयारी आपां शुरू करनी है। ओदे विच आ भी देखो भाई, आ देखो आर डी ए, ठीक है ना, उस तो बाद लाइब्रेरी कैटालोग दे विच उन्हें दस्या भी किस तरीके नाल कैटालोग, मतलब जिथे लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बुक्स जिहड़ियां हो, ठीक है ना, उतों के बारे उन्होंने दस्या, स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम दस्या। ये मैं तुहानू दस रहा पिछला सिलेबस, आ देखो पावर पॉइंट स्प्रैडशीट, आ देखो आर एफ आई डी, ठीक है ना, ये की है, जो आप लाइट मारते हैं बुक के कंट्रोल पर आ जाती है, मतलब अपने कंप्यूटर पर आ जाती है। समझ आ गई? जिन्हों आप बोल दें बार कोड। तो इस तरीके के कई सिलेबस जोड़ा है ये लाइब्रेरियन के पेप, ये स्कूल लाइब्रेरियन की गल कर रहे हैं, लाइब्रेरियन रिस्टोरर की अजे तक जदों तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा उदों तक सिलेबस नहीं आया है, जिवें ही सिलेबस आता है तुहाडे नाल डिस्कस किया जाएगा। और सब तो पहला आप एक टॉपिक शुरू करांगे लाइब्रेरी सर्विसिज, ओदे नाल नाल आप गल करांगे मैक दी। ठीक है ना? ये सारिया चीज़ा आप पढ़ांगे। समझ आ गई? ओदे विच नोटेशन है, सी सी है, ठीक है ना, कोलन क्लासीफिकेशन है, ठीक है ना, तो इस तरीके दे आपां जिहड़े सारा जिहड़ा तुहाडा सिलेबस है वह करांगे। तुहानू ये अंदाजा लग चुकिया है कि तुसी लाइब्रेरियन दी तैयारी जिहड़ी है वह शुरुआत कर दिओ।
क्योंकि बहुत जल्दी तुहाडा पेपर होना। ये मैं तुहाडे लई छोटी जी इनफॉर्मेशन लैके आया सी। वीडियो नूं अगर वधिया लगी है तो तुसीं जरूर लाइक करना है और कमेंट बॉक्स दे विच जरूर पूछना है कि तैयारी असीं किस तरीके नाल कर। मिलते हैं आपां फिर नैक्सट वीडियो ते। उदों तक लई बाय बाय, जय हिंद।